पहले तो कल 28 तारीख को ऐतिहासिक दिन है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट 800 एकड़ में और सुजुकी का बाइक्स का 100 एकड़ में खरखोदा में माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे, जिसके अंदर सुजुकी जो कॉरपोरेशन है उसके तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और हमारे लिए खुशी की बात है कि 4 दिन के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री हरियाणा के अंदर, पिछले दिनों जो माँ अमृता का एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल बना है 2600 बेड का, उसको इनॉग्रेट कर गए थे, और कल हमारे इस अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को खरखोदा के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनॉग्रेट करेंगे। मैं ये मानता हूँ एक ऐतिहासिक दिन रहेगा और एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि इसमें हजारों ही नहीं एंसिलरीज मिला के लाखों नए रोजगार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आने वाले भविष्य में मिलेंगे। और मेरा अनुमान जो है, जैसे गुड़गांव विकसित हुआ मारुति के जाने से, मानेसर विकसित हुआ, आने वाले समय में खरखोदा भी उससे ज़्यादा तरक्की डेवलपमेंट के अंदर करेगा। और आज भी हम देखते हैं कि खरखोदा के आसपास ऑलरेडी बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स थे HSIDC के, वो सेल होकर आज बिक्रे। और मैं ये मानता हूँ कि एंसिलरीज को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पे खरखोदा आज दिख रहा है। मारुति के आने से केवल मात्र कार इंडस्ट्री ही नहीं, अलाइड इंडस्ट्री के साथ साथ टू व्हीलर के अंदर जो आने वाला भविष्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सुजुकी उसको भी इस प्लांट में लाने का काम करेगा। साथ में आज चीका हल्के में जो हमारे परिवार के पुराने सदस्य और चौधरी देवीलाल जी के समय से जुड़े अनेक इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी जो नायक जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं पूर्व चेयरमैन सरदार भूपेंद्र सिंह जी का, उनकी सारी टीम का स्वागत भी करता हूँ और बधाई देता हूँ चौधरी ईश्वर सिंह जी को, धूप सिंह माजरा जी को, जिनकी मेहनत से संगठन और मजबूत हुआ है। और आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि और जिलों के अंदर भी जो हमने टीमें गठित करी है वो अब गांव दर गांव जाकर संगठन को और मजबूती देने का काम करेगी। इसमें सर कुछ आकलन किया है कि कितने रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं? मारुति ने जो आकलन किया है वो 800 एकड़ के अंदर लगभग 18,000 रोजगार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड देगी, और सुजुकी का जो आकलन है उसमें 3,500 से 4,000 जो 100 एकड़ का बाइक प्लांट है उसके अंदर रोजगार के अवसर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं 8 और 3 भी मानूं तो 900 एकड़ में 21,000 रोजगार आएंगे। मगर 21,000 तो 2 कॉरपोरेशंस दे रही है, उसके साथ जितनी एंसिलरीज लगेंगी, चाहे वो टायर बनाए, ब्रेक पैड्स बनाए, गियर्स बनाए, शॉकर्स बनाए, सीट बनाए, टैंक्स बनाए, अलॉयज बनाए, हजारों चीज़ें एक गाड़ी और बाइक के अंदर इस्तेमाल होती है, सीट बेल्ट तक बनाने वाली कंपनी है, आप सोचो कि कितना और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हमारे प्रदेश के अंदर ये लाने का काम कर। बिल्कुल, हमने पिछले दिनों बैठक करी थी खरखोदा के अंदर, सिंगल कंसोलिडेटेड वर्क प्रोजेक्ट हम जल्द टेंडर आउट करेंगे, जिसके अंदर 800 से 900 करोड़ रुपए में सारी सड़कें, सीवरेज, पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, पावर स्टेशन, जितनी ऐसी एमिनिटीज एक HSIDC सेक्टर में होती है हम सारा डेवलप करने का एक साल के अंदर टारगेट लेकर चल रहे हैं। KMP की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के साथ है, जो रेल कॉरिडोर बन रहा है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर उसका ये पार्ट है। तो मैं मानता हूँ ये हमारे ट्रेड को और एक्सपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा लाभ देने का काम है। पिछले दिनों बैठक हुई थी, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट के व्यूज थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे पार्टी के सभी मेंबरान ने रख दिए थे। अभी चुनाव कब होते हैं, प्रदेश सरकार की द्वारा
लिखित में दिया गया है कि आप 30 सितंबर से पहले चुनाव कराइए। हिसार जिले की वार्डबंदी पूरी तौर पर कंप्लीट हो चुकी, नोटिफिकेशन बाकी है, क्योंकि गुड़गांव में हिली मंडी एक कॉरपोरेशन बनी है, कमेटी बनी है, काउंसिल बनी है, उसको रीस्ट्रक्चर गुड़गांव कर रहा है। सिरसा के अंदर 6 गांव म्यूनसिपल कमेटी में आए थे, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग बाकी है, और बारडा की डिमांड थी, उसके सर्वे हो चुके, अभी उसके ऊपर सरकार ने निर्णय लेना है। मुझे लगता है कि आगामी 30 तारीख के लगभग आप अनुमानित कर सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही डाटा आएगा वो फिर अपने लेवल पर, क्योंकि प्रदेश सरकार डिक्लेयर नहीं करती, ऑटोनोमस बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जिसके आज के दिन मुखिया दलपत सिंह जी रिटायर्ड IAS है, वो इसको डिक्लेयर करें। हमारी तैयारी पूरी तौर पर है, EVM मशीन और जो व्यवस्था होती है उसको ऑलरेडी 2 बार सर्वे कर ली गई, पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो आगे इलेक्शन ट्रेनिंग होगी वो इलेक्शन कोड लगने के बाद व्यवस्था होती है, उसको भी प्रदेश सरकार पूरी तौर पर तैयार। गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर सर अभी तो सिंबल पे लड़ना है नहीं लड़ना, दोनों पार्टियों ने यही फैसला नहीं किया। जब पार्टियां फैसला करेगी फिर गठबंधन पे लड़ना है नहीं लड़ना। ULB चुनाव में तो दोनों पार्टियों का निर्णय था कि सिंबल पे लड़ेंगे और इसलिए मिलकर लड़ेंगे। अब सिंबल पे लड़ना है नहीं लड़ना, पहले तो दोनों दल उस पर फैसला करें, उसके बाद है कि गठबंधन पे लड़ेंगे। कल JJP या BJP सिंबल पे लड़ने के हक में ना हो फिर गठबंधन किससे करोगे। दुष्यंत जी, आजकल लंपी बीमारी काफी इसका प्रसार हो रहा है, बहुत सारे पशु की चपेट में, क्या तैयारी है सर इसको रोकने के लिए? जो पीछे मैंने रिव्यू लिया था उसके अंदर इसकी पर्याप्त मेडिसिन हमने प्रदेश में मंगा ली है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिसिन पहुंचा दी गई है। बिल्कुल एक सरप्राइजिंग आप कह दो इम्पैक्ट इस डिजीज़ का आया, विधानसभा के अंदर भी होता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने केंद्र के भी हरियाणा आकर बैठक करी है, पर्याप्त मेडिसिन के लिए उनने हरियाणा को विश्वास भी दिलाया और तुरंत उनने केंद्र से भिजवाई भी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अब जो जो एनिमल्स आज इस बीमारी से इफेक्टिव नहीं है उनको इंजेक्ट भी किया जा रहा है कि फ्यूचर में ये बीमारी उनको ना। इसमें एक पॉइंट ये है सर कि जो पालतू पशु उनको तो लग जाती है, लेकिन जो बेसहारा है सड़कों पे घूम रहे हैं उनके लिए MCs जितनी भी हैं वो अपने लेवल पे इसको टेकअप करेंगे। एक सर सवाल कांग्रेस को लेकर था, बड़े बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या सर रिएक्शन है आपका? कल्पना जी आज आप भी चले, कांग्रेस तो अपने अंत की ओर है, और मेरे से ज्यादा तो चौधरी ईश्वर सिंह जी बता देंगे। आज ये हालत है कि जो कांग्रेस मैन थे जिनने असली कांग्रेस को खड़ा किया चलाया उनकी दुर्दशा कांग्रेस के अंत की निशानी है। और मैं ये मानता हूँ कि लोकसभा से पहले तो शायद कांग्रेस ही देश में ना दिखे। G23 ग्रुप कहा जाता है, तो क्या हुआ ये सारे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल है हरियाणा से? तो हुड्डा जी से पूछो, गुलाम नबी जी के बाद वो बाजेंगे नहीं बाजेंगे।